दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज फिर मास्टर ट्रिक्स पार्ट टू लेके आया हूँ मैं। इससे मैं सात इस कोड वर्ड 1911 से पूरे सात फैक्ट्स में क्लियर कराऊंगा। अभी ऐतिहासिक फैक्ट्स है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में ये आते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये सात जो फैक्ट्स है आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बस अंतिम तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला फैक्ट 1911 से क्या क्वेश्चन आएगा? ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम एंड महारानी मैरी भारत कब आई? ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। 1911 में भारत आई। ठीक है, एक फैक्ट्स आपके पूरे हो गए। दूसरा है, इसके जो आने जब ये इंडिया आई थी, ये शिप के थ्रू आई थी और मुंबई में उतरी थी, और मुंबई से दिल्ली जाना था इसे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन इंडिया में होने वाला था। दिल्ली में तो कोई पोर्ट नहीं है, वहाँ पर शिप कैसे आएगी? इसीलिए दूसरे बड़े सिटी जो हमारे थे, न्यू दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर उतरी थी, वहीं आने वाली थी। जब आने वाली थी तो इसके स्वागत के लिए क्या किया गया? उसी जगह पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया, आप जानते हैं इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया इसके स्वागत के रूप में एक स्मारक बनाया गया था। वो गेट है, जैसे समुद्र, आप सी देखिएगा, सी के जस्ट बगल में गेट बनाया हुआ है, उसी गेट के थ्रू इंटर की थी, तो उसी के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया एक भव्य इमारत बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? 1911 में। ठीक है, इन दोनों के स्वागत के लिए। ठीक है, चलिए, दो फैक्ट्स किल हो गया इससे। उसके बाद ये क्यों आया था इंडिया? दिल्ली दरबार के लिए। दिल्ली दरबार, तो पूछेगा इंडिया में दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1911 में। ये तीसरा दिल्ली दरबार था दोस्तों, तीसरा दिल्ली दरबार था। ठीक है, इससे पहले 1877 में पहला, 1903 में दूसरा, 1911 में तीसरा, और ये आखिरी दिल्ली दरबार इंडिया में लगा था। ये दिल्ली दरबार होता किस लिए था? ये जो हमारी जो हमारा उस समय हमारा जो किंग हुआ करता था वो ब्रिटेन की सम्राट ही हुआ करता था, ब्रिटेन से ही हम लोग गवर्नर होते थे, तो उसके राज तिलक के लिए ये दरबार लगाए जाते थे, राज तिलक के लिए। देखिए, 1877 ईस्वी की दरबार से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इससे पहले 1877 ईस्वी से पहले हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे। हम ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंदर ही हम लोग यही गवर्न करता था, हमारा एक प्राइवेट कंपनी था ये। ठीक है, तो इसकी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन के किसको दिया गया? विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया, इससे क्या मतलब होता है? अब इंडिया का मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया, अब इंडिया का डायरेक्ट गवर्न होगा लंदन से, और क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 1877 में पहला दिल्ली दरबार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से ख़त्म कब हुआ? 1877 ईस्वी में। भारत की साम्राज्ञी विक्टोरिया को कब घोषित किया गया? 1877 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, कि साम्राज्ञी यही अब हमारा मालिक होगा, माए बाप यही होगा, अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कोई पावर नहीं चलेगा 1877 ईस्वी के बाद। 1877 इस समय तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी एकदम कमज़ोर हो गया था, ताकत ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से कानूनी तौर पर 1877 ईस्वी में हटा। 1907 में जो सबसे भव्य दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने लगाया था, 1903 में, ये सबसे भव्य था दिल्ली, और 1911 का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1911 ईस्वी में ये इसका इम्पोर्टेंट यही है कि सम्राट खुद चल के आए थे। सम्राट
जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मैरी खुद चल के आए थे, यही इकलौता इसमें खुद चल के कोई नहीं आए थे। यहाँ पे कर्जन ने बहुत 1903 वाले ने कर्जन ने अपने आप को चमचागिरी करने के लिए बहुत ही भव्य स्वागत करने का तैयारी किया था, लेकिन समस्या ये हो गया ना, उस समय एडवर्ड 7 था, किंग बना था वहाँ का, लेकिन वो आया ही नहीं। तो इस ये बहुत दुखी हुआ कि हमने इतनी चमचागिरी किया, इतनी खर्च किए, लेकिन वो आया ही नहीं, वो अपने भाई को भेज दिया था उसके बदले में। चलिए, ये हो गया आपका तीसरा फैक्ट कि तीसरा दिल्ली दरबार दिल्ली में लगा 1911 ईस्वी में। ठीक है, इस दिल्ली दरबार में कुछ घोषणाएं हुई दोस्तों। ठीक है, इस दिल्ली दरबार में कुछ घोषणाएं हुई। देखिए क्या घोषणाएं हुई, यहाँ आने के बाद अब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने कुछ घोषणाएं की जो हमारे ऐतिहासिक फैक्ट्स है। एक घोषणाएं की बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द, बोला बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी ने कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल हमारी एकता को, हमारे देश की एकता को और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए फूट डालो और राज करो नीति के तहत, तो 1905 से लेके वो आंदोलन अभी तक चल ही रहा है, अब ये नहीं कि ख़त्म हो गया। तो ये 1905 से 1911 तक चला, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब तक चला, बंगाल विभाजन आंदोलन 1905 से 1911 में, ख़त्म कब हो रहा है, ख़त्म वो अभी हो रहा है जब सम्राट पंचम जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी दिल्ली दरबार में घोषणा करेगा कि अब बंगाल का विभाजन नहीं होगा, जिस जो कर्जन ने जिस हिसाब से किया था नहीं होगा विभाजन, तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का बनना, ठीक है, पहले बंगाल कहलाता था दोस्तों, पहले बंगाल होता था वो, हो ठीक है, सिर्फ बंगाल, वेस्ट बंगाल कभी लिखते ही नहीं थे। बिहार का जन्म, ठीक है, देखिए ये बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक आधार पे जॉर्ज पंचम और मैरी ने घोषणा किया कि प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सूबा है, इसको हम एक गवर्नर के थ्रू गवर्न करना हमें मुश्किल हो जा रहा है, हम लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देंगे और उसके सारे बातों का ख्याल रखे जाएंगे, इसलिए बिहार का जन्म हुआ प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, सुविधा के आधार पर, पहले क्या था सुविधा के आधार पे, उसके मतलब बांटने का कोई तरीका नहीं था, बस बांटने का कर्जन ने इस तरह बांट दिया था कि क्या बोलता है, स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले लोग बट जाएं, जो आंदोलन कुछ ढाका से कर रहे हैं, कुछ कोलकाता से कर रहे हैं, तो मतलब उस हिसाब से सेपरेटिस्ट कर दिए थे कि वो आंदोलन ये वाले लोग एक दूसरे ही लड़ लड़ के मर जाए। ये था बिहार का जन्म। देखिए बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, अब प्रशासनिक आधार पर एक का बंगाल कहलाएगा, दूसरा बिहार कहलाएगा, और उस समय के बिहार में 1911 में जब बिहार अलग हुआ था उसमें उड़ीसा भी बिहार में शामिल था, ठीक है, बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में फिर अलग हुआ था, ठीक है। तो इससे एक और फैक्ट क्लियर हो गया, बिहार का जन्म हुआ, बिहार कब स्टेट बना 1911 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इससे पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा फैक्ट क्या है, इसी दरबार में दिल्ली दरबार में घोषणा हुई, क्या घोषणा क्या हुई, अब भारत का राजधानी राजधानी दिल्ली होगा, दिल्ली होगा, दिल्ली होगा, पहले कोलकाता थी, अब तो 1911 तक कोलकाता थी, अब उसने घोषणा किया कि कोलकाता एकदम एक साइड में पड़ जाता है इंडिया का, लेकिन पूरे इंडिया में इसकी शासन फैल रही थी, तो उसको सेंटर पॉइंट में लाने के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो पूछेगा घोषणा कब हुई 1911 ईस्वी में, क्या कि अब कोलकाता नहीं दिल्ली देश की राजधानी होगा, घोषणा 1911 में की, तो दिल्ली देश की राजधानी कब हुई, ये 1912 ईस्वी में हुई। देखिए दोस्तों ये 1912 में होने के पीछे क्या कारण है,
घोषणा हुई 1911 ईस्वी में। राजधानी आप ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, राजधानी के लिए आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, सचिवालय बनाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें बनानी पड़ेगी, तो एक साल का टाइम चाहिए ना। तो 1911 में घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी हुई किसकी, इंडिया की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातवां फैक्ट इसमें से क्या है, पहली बार जनगण मन गाया गया, जनगण मन, जनगण मन गाया गया, हमारा जो राष्ट्रीय गान है ये 1911 ईस्वी में ही पहली बार गाया गया। क्यों, यही जॉर्ज पंचम और महारानी के का स्वागत भाषण था, वो स्वागत गान था, वो कोलकाता में गाया गया, ये नहीं कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, ठीक है, पहली बार गाया गया स्वागत भाषण। देख गाना का मतलब है जन गण मन, मन जन गण मन अधिनायक जय है, मतलब भारत के जन गण और मन के अधिनायक कौन है, सम्राट जॉर्ज, वही मालिक है, अधिनायक जय है। इससे क्या पता चलता, उसी के स्वागत गान के रूप में ये जन गण मन बनाया गया था। बाद में इसी को ही हम लोग एडॉप्ट कर लिए हम लोग राष्ट्रगान के रूप में। तो दोस्तों यहाँ 1911 से सिर्फ एक ही चीज़ है, उसी को क्या बोलता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक थोड़े से क्या बोलता है, इसको आप ये कर लेंगे ना, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे, तो सात फैक्ट, ऐतिहासिक सात फैक्ट और सातों के सातों इम्पोर्टेंट है, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मेरी मास्टर ट्रिक्स पार्ट 3 में लेके आऊँगा बहुत जल्दी। बेल बटन दबा लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट कर देंगे तो बहुत बड़ा अच्छी बात है। धन्यवाद आप लोगों का, ख़त्म करता हूँ मैं ये मास्टर ट्रिक्स पार्ट 2, इसके बाद मास्टर ट्रिक पार्ट 3 बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।